ये आ चुके हैं हम एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये इसका गेट है, इसका झंडा है, यहाँ से एंट्री होता है। आपको हम आगे दिखाते हैं। दोन के तीन तास लगते फिर पानी से पानी। ये एलोरा गुफा का गेट है। ये विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफा है, आप लोग इतिहास के किताब में पढ़े होंगे। आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कैसा ये गुफा है, अंदर चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पेड़ कितना विचित्र विचित्र है, सब बरगद का पेड़ है। यहाँ से एंट्री शुरू होता है। अरे चला जाता है। यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे लाइन देखिए लगा है टिकट के लिए, और एक गोरिल्ला बंदर है। ये टिकट काउंटर है, और यहाँ से सामने आप देख सकते हैं, ये यही है, यहाँ से एंट्री करना है। आगे हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट का नाम देखिए, औरा रेस्टोरेंट है, महाराष्ट्र की भाषा है। और आगे वो गेट है एंट्री वाला। अभी दोस्त टिकट लेने गया, लेके आने दीजिए, फिर अंदर चलते हैं। ये टोकन मिल चुका है, देखिए इस पे लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखा है। इस टोकन को दिखाकर अंदर जाना है। देखिए सभी लोग जा रहे हैं। ये टोकन है। ये ब्लर हो जा रहा है भाई। यहाँ से एंट्री होता है ये टोकन डाल के, और आगे आपका एलोरा गुफा है। आगे दिखाते हैं आपको। हमारी एंट्री हो चुकी है, और आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये शुरुआत है उस गुफा की। यहाँ एक तिरंगा लगा है, सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे टोपी चश्मा बिकता है, अंदर लगा के जाने के लिए, सब फोटो शूट करने के लिए। तो हम आ चुके हैं एलोरा गुफा के सामने, और सामने आप देख सकते हैं वो दिख रहा है आपको एलोरा गुफा। हम जूम करके यहाँ से आपको दिखाते हैं, फिर पहले अंदर ले चलेंगे। यहाँ पे देखिए सब ऊपर तक भी चढ़ते हैं लोग। ये पहाड़ के को काट के बनाया गया है। यहाँ पे 32 गुफाएं हैं, आगे बता रहे थे सब। और यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं विश्व धरोहर एलोरा की गुफा, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर बोतल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसपे लिखा है हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो आप अगर आप महाराष्ट्र में घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आइएगा। 40 रुपए टिकट लगा है इसमें घूमने के लिए। और आगे हम आपको अंदर का दिखाते हैं। इसके बगल में आपको हम एक खाई दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, बहुत डर रहता है, इसीलिए लोग यहाँ रुकते नहीं हैं। हम भी लोग रुक नहीं रहे हैं, डर ज्यादा है। और ये सामने आपका आ चुका है एलोरा की गुफा। और ये इस पेड़ को भी माना जाता है, 200 साल पुराना पेड़ है। और जो वो पुल है वो भी बहुत पुराना पुल है, गुफा के साथ उस पुल को भी बनाया गया था।
जो आज भी आपके सामने मौजूद है। तो आप फाइनली आ चुके हैं अब एकदम गुफा के जस्ट सामने। यहाँ से आप इसकी आकृति को देख सकते हैं, कलाकारी को देख सकते हैं। इसके सामने देखिए पेड़ जो है, ये भी बहुत पुराना पेड़ माना जाता है। और वो आपको पहाड़ उधर दिखेगा सामने। फोटोशूट वाले भैया लोग भी आए हैं, फोटो आप यहाँ बनवा सकते हैं आके 10-20 रुपये देकर। गुफाओं की ओर देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। इधर से जाना है, लेकिन हम लोग आपको आगे से गेट से एंट्री कराते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, जो पूरा पहाड़ एक मिला हुआ है, इस पहाड़ को काट कर ये बनाया गया था आज से 2-3 हज़ार साल पहले। आप लोग अपने किताब में पढ़े होंगे एलोरा की और अजंता की गुफाओं के बारे में। तो आज आपको लाइव हम इस वीडियो में दिखा दिए हैं। और अंदर चलिए आज को दिखाते हैं इसकी आकृति को, इसकी कलाकारी को। भैया हमारे साथ हैं, चलिए अंदर दिखाते हैं। अंदर भी एंट्री होगा टोकन देकर। यहाँ मूर्ति की कलाकारी को आप देख सकते हैं, उस समय किस मशीन से, किस कारीगरी से बनाया गया था। इतना सुंदर मूर्ति जो आज भी पत्थरों में मौजूद है। वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ चढ़ चुके हैं सब। अभी हमारे दोस्त पीछे छोड़ गए हैं 5-6 लोग, देखते हैं वो लोग कहाँ हैं, फिर अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये लड़के देखने के लिए इतने व्याकुल थे कि ऊपर चढ़ चुके हैं। 100 फीट ऊंचाई पे लोग हैं, डर नहीं लग रहा इन लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई का अंदाजा आप वीडियो में लगा सकते हैं। और यहाँ पे स्कूल का टीम आया है, जो बच्चियाँ ऊपर हैं वहाँ पे देख सकते हैं आप, उस लड़के सवार हैं सीढ़ी से उतर के। और अंदर आपको हम दिखाते हैं अंदर की कलाकारी।